इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक घोषित किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोर्ट ने वो निर्णय लिया है जो व्यापक भ्रष्टाचार फैलाने की मुहिम केंद्र सरकार चलाती थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आड़ में, उसको बंद करने का काम किया है। अब सच्चाई सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वो सब आंकड़े सब डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। तो अब ये जांच का विषय है कि जिन कंपनियों का मुनाफा नहीं था 2 रुपये का, वो 200 रुपये का खरबों रुपए का चंदा दे रही है रूलिंग पार्टी को, तो ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने पदों का दुरुपयोग करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ चंदा उन्होंने। पायलट जी, राहुल गांधी जी 10 साल से अडानी अंबानी का नाम ले रहे थे कि वो सरकार चला रहे, तो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में अंबानी अडानी का नाम नहीं आया है। पढ़ते और खुलेंगे। पायलट जी, पायलट जी।